फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले मूली के पराठे। फ्रेंड्स, मूली के पराठे किस तरह से बनाएं एकदम परफेक्ट, जो कि फटे ना और बहुत अच्छे से आपके मूली के पराठे बन जाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको किस तरह से हमने मूली के आ गए किचन में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें मूली के पराठे बनाने के लिए देखिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने ली हैं तीन, मैंने मूली ली है, ये करीब फ्रेंड्स होंगी आधा किलो से ऊपर। तो फ्रेंड्स, मैंने ये तीन मूलियाँ ली हैं। उसके बाद मैंने तीन से चार मैंने हरी मिर्च ली है, थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, थोड़े से मैंने आलू लिए हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये काफी छोटे छोटे आलू हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि छोटे आलू छीलने में नहीं आते हैं, तो ये आसानी से छिल जाते हैं जब बॉईल हो जाते हैं। तो इसलिए मैं उन छोटे छोटे आलू को इस तरह से, जैसे स्टफिंग मुझे बनानी होती है तो मैं उनमें यूज कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आलू लिए हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा बाइंड इसको करने के लिए, तो मैंने दो से तीन से चार मैं फ्रेंड्स आलू इसमें यूज करूंगी, तो मैंने इनको बॉईल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम अपना जो मूली है उसको ग्रेट कर लेते हैं। और सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, जो हमने हरा धनिया वगैरह लिया है उसको अच्छे से चॉप कर लेते हैं। तो देखिए, ये हमारी चॉप हो गई है। अब इसको कर लेते हैं हम पील कर लेते हैं मूली को। तो देखिए फ्रेंड्स, मूली को मैंने अच्छे से देखिए वॉश कर लिया है और इसको देखिए अच्छे से छील लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है कि एक बर्तन में हमें फ्रेंड्स इसको ग्रेट करना है। आप चाहे तो पतली की तरफ से कर लीजिए, चाहे तो जो देखिए बड़ा वाला ग्रेड है, या इस इधर साइड से आप कर सकते हैं। तो मैं फ्रेंड्स इधर साइड से कर रही हूँ, जो थोड़ा सा मीडियम साइज का इसका कट है। तो देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो देखिए हमने जो ग्रेट किया है, देखिए अच्छे से हमने ग्रेट कर लिया है। और देखिए अब फ्रेंड्स, हमें क्या करना है कि अब हमें एक बाउल लेना है। और देखिए, बाउल में आप इस तरह का एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, जो भी आपके पास हो। और उसमें हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसको ना उसमें सारे को कर लेना है। जो फ्रेंड्स मेन प्रोसेस है वो आपका यही है, इससे ही आपके पराठे जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, इसका जो एक्स्ट्रा का पानी है फ्रेंड्स, इसको हमें निकालना है, क्योंकि इस पानी की वजह से ही फ्रेंड्स हम जो भी मिर्च मसाले डालते हैं वो सारा पानी छोड़ देता है, जिसकी वजह से हमारे परफेक्ट, देखिए आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में देखिए पानी निकल रहा है इसमें से। इसी की वजह से फ्रेंड्स हमारे पराठे अच्छे नहीं बनते हैं और स्टफिंग बाहर निकल जाती है। तो आप इस तरह से अच्छे से इसमें से पानी निकाल दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स मूली है या फिर गाजर है या फिर प्याज है, तो फ्रेंड्स अगर आप गोभी के भी बनाएंगे तो भी फ्रेंड्स देखिए इसमें वाटर क्वांटिटी काफी ज्यादा होती है इन चीजों में, जिसकी वजह से हमारे फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है कि फ्रेंड्स ये वाला जो कपड़ा है ना, आप इसको ऐसे ही रख दीजिए, ताकि जितना भी पानी हो वो इसमें ऑब्जर्व कर ले। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैंने रख दिया है इसी कपड़े के साथ, और जब बहुत अच्छे से ये ऑब्जर्व कर लेगा और पानी की एक बूंद भी इसमें नहीं बचेगी। तो फ्रेंड्स, इसको रख देते हैं साइड में। चलिए फ्रेंड्स, अब लगा लेते हैं आटा, जो हमें इसके लिए आटा चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आटा लिया है। आपको जितना आटा लेना है आप उतने अकॉर्डिंग आटा ले सकते हैं अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 चम्मच नमक, क्योंकि फ्रेंड्स जब भी हम कोई भी पराठे या कुछ भी बनाते हैं तो नमक हमें जरूरी है पराठों में, आटे में डालना। और फ्रेंड्स, अब हमें जो इसका जो डो बनाना है फ्रेंड्स, ना ही तो ज्यादा पतला बनाना है और ना ही ज्यादा टाइट करना है, हमें इसे नॉर्मल रखना है। जो भी हम आटा इसका गूंदेंगे, टाइट अगर आटा करेंगे तो आपका पराठा बहुत अच्छे से नहीं बन पाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं, ना ही तो ज्यादा आटा मेरा टाइट है और ना ही ज्यादा ढीला है, एकदम बीच का आटा मैंने इसको करा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आटा हमारा रेडी हो चुका है, इसको रखते हैं ढक के 10 मिनट के लिए, और इतने हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने देखिए आलू को छील लिया है अच्छे से, और देखिए ये करीब मीडियम साइज के दो आलू के बराबर होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स ये छोटे आलू हैं। तो फॉक से अच्छे से इनको मैश कर लीजिए, फॉक से बहुत अच्छे से हो जाएंगे।
इसमें अगर आप आलू डालेंगे तो काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि काफी अच्छी बाइंडिंग इसको मिल जाएगी, तो अच्छे लगते हैं। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छी ट्रिक है कि आप छोटे छोटे आलूओं को ऐसे बॉईल कर लीजिए, बहुत अच्छे से छिल जाते हैं। अगर आप वैसे छीलेंगे ना तो अच्छे से छिल नहीं पाते, काफी ज्यादा दिक्कत होती है उनको छीलने में। आप बॉईल करके उनको यूज कर सकते हैं, कुछ भी चीजें आप बॉईल करके बना लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स इनको हमने कर लिया है मैश। इधर फ्रेंड्स हम देख लेते हैं अपनी जो हमने मूली ली थी, देखिए काफी ज्यादा, देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है, एकदम से सोख लिया है इसको पानी को कपड़े ने, देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। फ्रेंड्स इस तरह की ही हमें मूली चाहिए। तो फ्रेंड्स आप इस ट्रिक को यूज करिए, आपके पराठे काफी ज्यादा अच्छे बनेंगे। तो फ्रेंड्स इसको हम डाल देंगे इसमें, मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम जो देखिए एक चम्मच मैंने लिया है जिंजर गार्लिक पेस्ट, इससे फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है पराठों। और इधर हम डालेंगे धनिया और अपनी हरी मिर्च। उसके बाद फ्रेंड्स मैं डाल रही हूँ इसमें धनिया पाउडर 2 चम्मच, नमक फ्रेंड्स आपको तब डालना है जब आप इनको बनाएं, उससे पहले आप नमक ना डालें, नहीं तो ये पानी और छोड़ने लगेगा। तो जब आप बनाना स्टार्ट करें आप तभी इनको नमक डालें इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच नमक, थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं जीरा डाल रही हूँ। जीरा आप ऑप्शन है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। थोड़ी सी फ्रेंड्स मैं डाल रही हूँ हींग, हींग काफी अच्छी होती है पेट के लिए। फ्रेंड्स 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा देखिए फ्रेंड्स 1 पिंच के बराबर मैं डाल रही हूँ इसमें गरम मसाला, ज्यादा नहीं। इसमें मैंने डाला है भुना हुआ जीरे का पाउडर। और अब सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसको हैंड से मिक्स करूंगी, हैंड से ज्यादा अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो आप इस तरह से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स हमारी स्टफिंग बन करके तैयार है, अभी लग चुका है और स्टफिंग भी तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना स्टार्ट करते हैं पराठे। तो देखिए फ्रेंड्स ऑलमोस्ट हमारी तैयारी हो चुकी है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा फ्रेंड्स आटा ले लेंगे और इसको सूखे आटे से देखिए इस तरह से कर लेंगे और हल्का सा इसको बेल लेंगे। फ्रेंड्स इसमें हम अब अपनी स्टफिंग जो हमने बनाई है उसको रख लेंगे, अच्छे से इसको फैला लेंगे। फ्रेंड्स इसको एक कोना लेकर देखें इस तरह से, आप एक ही बार में बना सकते हैं इसको, आप डबल लेयर करके ना बना के आप इस तरह से भी बना सकते हैं। फ्रेंड्स पराठे की मैंने एक और रेसिपी आपके साथ शेयर की है आलू के पराठे की, आलू और प्याज की, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी किस तरह से मैंने बनाई थे। फ्रेंड्स एकदम से परफेक्ट आपके जो पराठे हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कहीं से भी हमारी स्टफिंग नहीं निकल रही है। सूखे आटे का आप जरूर इसमें इस्तेमाल करें। तो देखिए फ्रेंड्स एक ही लेयर में आपके पराठे काफी ज्यादा अच्छे बन जाएंगे, आपको जितना बड़ा करना है आप उतना कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा पराठा बिल्कुल रेडी है, अब इसको हम सेक लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इसको बना रही हूँ नॉर्मल तवे पर, जो मैं जिस पर रोटियां बनाती हूँ उसी पर बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स तवा हमारा गर्म हो चुका है, आप इस तरह से डाल लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा एक तरफ से देखिए सिक चुका है और फ्रेंड्स अब इस पर हम लगा लेंगे ऑयल। और अच्छे से इसको सेक लेंगे, चारों तरफ लगा लेंगे इसके। और इसको पढ़ लेंगे, इधर साइड भी लगा लेंगे।
देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से आप देख सकते हैं फूल भी रहा है हमारा पराठा। बहुत अच्छे से फ्रेंड्स आपके ये पराठे बन करके तैयार हो जाएंगे। अच्छे से दबा दबा कर आप अच्छे से इसको सेक लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से फूल चुका है हमारा पराठा। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से हमारा पराठा सिक गया है। देखिए अच्छे से इसको क्रिस्पी क्रिस्पी से पराठे आप सेक लीजिए। बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स ये पराठे। आप इस ट्रिक से बनाइए आपके पराठे बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और एक ही बार में आप इनको परफेक्ट बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा परफेक्ट पराठा देखिए इस तरह से बना है। देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ कि स्टफिंग देखिए हमारी हर तरफ देखिए स्टफिंग है और बहुत अच्छे से देखिए फूला फूला आपका पराठा बन करके तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारा पराठा बन करके तैयार है। तो फ्रेंड्स इस ट्रिक से बनाइए आपके पराठे बनकर के तैयार है। बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी से पराठे मूली के पराठे। तो देखिए फ्रेंड्स कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने देखिए फ्रेंड्स इसको सर्व किया है। देखिए ये मैंने चटनी बनाई है सिलबट्टे की देखिए चटनी के साथ और देखिए बूंदी वाले रायते के साथ मैंने इसको सर्व किया है दही के बूंदी वाले रायते के साथ। आप चाहें तो इसे चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। जैसे भी आपका मन करे आप उसके साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से और कितने परफेक्ट हमारे एकदम फूले फूले से पराठे बन करके तैयार हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अगर आपको मेरी आज की वीडियो यूजफुल लगी हो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।